आरोग्य का मॉडर्न युग इस कार्यक्रम में मैं संपदा फिर एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम के जरिए हम अलग अलग बीमारियों के बारे में चर्चा करते हैं और मॉडर्न होम्योपैथी की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने लिवर सिरोसिस के बारे में बात की थी, क्या होता है लिवर सिरोसिस ये हमने जाना, लेकिन लिवर सिरोसिस अगर होता है तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है और बाकी सारी ट्रीटमेंट से मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट कैसे अलग है, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। और हमेशा की तरह हमने अपने चहेते जो गेस्ट है डॉक्टर विजय कुमार माने जी को इनवाइट किया है। वे मॉडर्न होम्योपैथी के फाउंडर चेयरमैन हैं और उनकी क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से कई पेशेंट्स सिर्फ लिवर सिरोसिस ही नहीं बल्कि अन्य जटिल बीमारियों से निजात पाकर एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। सर, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। और लिवर सिरोसिस के बारे में आपने पिछले एपिसोड में हमें बताया था लिवर सिरोसिस होता क्या है और उसके कारण क्या है, लेकिन इस एपिसोड में सबसे पहले मैं आपसे जानना ये चाहूंगी कि लिवर सिरोसिस अगर होता है किसी पेशेंट को तो किस प्रकार के टेस्ट उन्होंने करवाने चाहिए और टेस्ट रिपोर्ट्स कैसे होने चाहिए। हाँ, अगर किसी पेशेंट में कोई हिस्ट्री है बीमारी की या अल्कोहल की कोई हिस्ट्री है अल्कोहलिज्म की, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की, या कुछ दवाई लेता है, समझो जैसे पिछली बार मैंने बताया है पिछले कुछ एपिसोड में, जैसे कि एंटी ट्यूबरकुलर दवाई या पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, ऐसी दवाई की कोई हिस्ट्री है या ऑटो इम्यून डिसीज की हिस्ट्री है, तो उसी पेशेंट में कुछ रिपोर्ट करने की जरूरत है, उसको लिवर सिरोसिस है या नहीं है। अगर उसमें कुछ लक्षण दिखते हैं जैसे कि वेट लॉस है, पेट फूला हुआ बड़ा लगता है, शरीर पे पीलिया है या शरीर का डिसकलरेशन हुआ है, ऐसे पेशेंट में लिवर सिरोसिस होने की आशंका रहती है, तो कुछ रिपोर्ट करने की जरूरत है। उससे पता चलेगा ये पर्टिकुलर पेशेंट को लिवर सिरोसिस है या नहीं है। तो उसीलिए सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट है पेट की सोनोग्राफी, अब्डोमेन एंड पेल्विस की सोनोग्राफी। सोनोग्राफी से पता चलता है लिवर सिरोस्ड है या नहीं है। दूसरी बात है लिवर इलास्टोग्राफी। इलास्टोग्राफी एक टेस्ट है, यूएजी इलास्टोग्राफी या एमआर इलास्टोग्राफी, उससे भी पता चलेगा उसको लिवर सिरोसिस है तो कितने पैमाने पे, कितने मात्रा में है, उससे पता चलेगा। तीसरी टेस्ट है पेट की सीटी स्कैन या एमआरआई लीवर, उससे भी सिरोसिस है या नहीं है पता चलेगा। कुछ बार सिरोसिस के बाद पेट में पानी भरता है, वैसे चेस्ट में भी पानी भरता है, तो चेस्ट एक्सरे करने की भी जरूरत पड़ती है या सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट करने की जरूरत पड़ती है या सोनोग्राफी ऑफ चेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। कुछ खून के टेस्ट है जैसे कि सीबीसी, उसमें हीमोग्लोबिन कम दिखता है, प्लेटलेट कम दिखते हैं बड़े पैमाने पे। और टेस्ट है ब्लड के लीवर फंक्शन टेस्ट, उसमें बिलीरुबिन ज्यादा दिखेगा, एजीओटी एजीपीटी कम ज्यादा मात्रा में दिखेंगे, अल्कलाइन फॉस्फेटेज कम ज्यादा मात्रा में दिखेगा, जीजीपीटी नामक एक टेस्ट है वो भी कम ज्यादा मात्रा में दिखेगा। यूरिन रूटीन करने की जरूरत है, उसमें पीलिया है तो पता चलेगा। किडनी फंक्शन टेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि जब एडवांस लिवर सिरोसिस होता है तब उसको हिपेटोरिनल सिंड्रोम बोलते हैं, किडनी भी फेल होती है, उसमें मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है, उसमें किडनी भी फेल होती है, तो अगर क्रिएटिन और यूरिया ज्यादा है तो उसका पता वही टेस्ट से चलेगा। इतने टेस्ट कॉमन है और करने की जरूरत है। अगर खून का रिसाव हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो स्कोपी करके, ओजीडी स्कोपी बोलते हैं उसको, करके देखना पड़ेगा कि सिरोसिस है या सिरोसिस की वजह से स्टमक में खून का रिसाव हो रहा है या संडास की जगह खून का रिसाव हो रहा है, उसका पता स्कोपी से चलेगा। सर, आपने इतनी जो टेस्ट बताई हैं, मुझे जानना ये है कि किस लेवल पे जाके हमें अंदाजा आता है कि हमें ये सारे टेस्ट करनी पड़ेगी या करनी चाहिए, या ऐसे रूटीन में कुछ टेस्ट है जो हम कराते रहें तो पता चलता है हमारे लीवर का जो मतलब पोजीशन है या कैसा है लीवर हमारा। तो मैंने जो टेस्ट बताई, जब डायग्नोसिस होता है तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो करने की टेस्ट है वो बताई, उसमें मैंने ओजीडीस्कोपी का भी एक बताया था, तो उसमें इसोफेजियल वेराइसिस दिखता है खून का ब्लीडिंग होता है। तो जनरली आपको अगर पता करना है कि लीवर अच्छी तरह काम करता है कि नहीं काम करता है, उसके लिए पेट की सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं उसको, वो करने की जरूरत है, और लीवर फंक्शन टेस्ट और सीबीसी करने की जरूरत है। उससे प्राइमरी लेवल पे पता चलेगा लीवर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।
जब लिवर सिरोसिस है ऐसा पता चलेगा तो ये बाकी के जो एडवांस टेस्ट है वो करने की जरूरत है। तो ये जो टेस्ट आपने बताए जैसे सोनोग्राफी और ये, तो ये टेस्ट कब कराने चाहिए, मतलब रूटीन चेकअप में हम हर 6 महीने में या साल भर में जैसे रूटीन चेकअप्स होते हैं आफ्टर 35 या 40 इयर्स, तो ये टेस्ट भी उसी में इंक्लूड करने की जरूरत है? रूटीन टेस्ट में भी ये टेस्ट करने की जरूरत है, और अगर हिस्ट्री है कोई बीमारी की या अल्कोहल की जैसे मैंने बता दिया, या कोई ड्रग का अब्यूज हुआ है, ज्यादा काल लिया है, तो ये टेस्ट करने की जरूरत है। सर आजकल कई ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि हार्ट की बीमारी है या डायबिटीज है, जिन्हें हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी कह सकते हैं जो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हम होते हैं, तो क्या हम लिवर सिरोसिस को भी इसमें शामिल कर सकते हैं या कुछ कारणों की वजह से ही लिवर सिरोसिस होता है? अभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हुआ है ऐसे लगता है, क्योंकि लोगों में बड़े पैमाने पे कन्वेंशनल ट्रीटमेंट लेने की चाहत है, लोग लेते हैं कुछ कारणों से। दूसरी बात, अल्कोहल भी मोस्ट कॉमन है, अभी अल्कोहल सोशल ड्रिंक हुआ है, पहले कोई ऐसा टैबू था कि लोग नहीं लेते थे अल्कोहल, अच्छा नहीं है लोगों में, तो अभी वैसा नहीं है। अब यंग एज में भी लोग अल्कोहल ले रहे हैं, ओल्ड एज में भी ले रहे हैं, मिड एज में भी ले रहे हैं, और दोनों सेक्स वाले लोग ले रहे हैं, पुरुष भी ले रहे हैं और स्त्रियां भी ले रही है, ऐसे दिख रहा है। तो जनरल जो टेस्ट है उसी टेस्ट में ये इंक्लूड करना चाहिए, लिवर का स्क्रीनिंग भी करने की जरूरत है ऐसे लगता है। जी सर, एक और चीज कि एक कॉमन थॉट ऐसा है कि लीवर सिरोसिस अगर होता है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपके पास, लीवर ट्रांसप्लांट, ये कितना सही है? नहीं, ये अभी मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से वो गलत हुआ है। हम जो पेशेंट आप देख रहे हो वो पेशेंट ऐसे कि उनको एंड स्टेज लिवर डिसीज हुआ है, उसके बाद सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट ही बाकी रहता है जी। या वो पेशेंट को आईसीयू में या आईसीसीयू में एडमिट करने की जरूरत पड़ती है, उससे पेशेंट वो बाहर नहीं निकल पाते, पीलिया बढ़ता है, पानी बढ़ता है, बारंबार पानी, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से तो बीमारी ठीक नहीं होती। तो ऐसे केसेस में अपने पास इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट होती है कि बहुत से पेशेंट का पानी पहले हफ्ते से चला गया, ऐसे भी पेशेंट है अपने पास, पीलिया उनका नॉर्मल आता है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है, लिवर पूरी तरह काम करता है। किसी भी अगर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को या हेपेटोलॉजिस्ट को आपने दिखा दिया मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के बाद, तो बता देगा कि आपको अभी ट्रांसप्लांट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी सर्टिफाई कर सकता है। तो इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट उसमें दिखता है और सभी रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट करने की सलाह दी है उनमें ट्रांसप्लांट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के बाद। ऐसे लाखों हजारों पेशेंट अपने पास पूरे वर्ल्ड में है जिनमें ट्रांसप्लांट करने की जरूरत नहीं पड़ती। सर ऐसी कौन सी ट्रीटमेंट है मॉडर्न होम्योपैथी की जो कि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से अलग है, क्योंकि आपने बताया सिर्फ महाराष्ट्र या देश भर में नहीं तो पूरी दुनिया में ऐसे कई पेशेंट्स हैं जिन्होंने ये इस स्टेज पर आकर कि जहां लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो लीवर ट्रांसप्लांट ना करते हुए भी वो ठीक हुए, तो ऐसी कौन सी खास ट्रीटमेंट देते हैं मॉडर्न होम्योपैथी? मॉडर्न होम्योपैथी की जो ट्रीटमेंट है ये अपना रिसर्च वर्क है खुद का, पिछले 29 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, हमने उसका नाम दिया है क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। दूसरी बात है कि पैथोलॉजी इज रिवर्सिबल। मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से जो जो बीमारियां गंभीर मानी जाती है, जो बीमारियों में पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो बीमारियों को गंभीर बीमारियां मानी जाती है। मेडिसिन के पुस्तक बुक में क्या लिखा था जब मैंने पढ़ा था तब, या अभी भी है कि पैथोलॉजी इज इरिवर्सिबल। मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के बाद जो रिवर्स दिखता है पैथोलॉजी में, पैथोलॉजी रिवर्स हुई है ऐसा दिखता है, इसी वजह से हम बोलते हैं कि मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पैथोलॉजी इज रिवर्सिबल। उसके पैमाने पे मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से लीवर की बीमारी जो इरिवर्सिबल बताई जाती है वो रिवर्स हुई आपको रिपोर्ट में भी दिखेगा। इसी वजह से मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से लेने के बाद ट्रांसप्लांट करने की जरूरत नहीं पड़ती, या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, या आईसीयू में एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कारण है कि मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट इतनी कारगर है और कन्वेंशनल ट्रीटमेंट को ये ट्रीटमेंट अल्टरनेटिव है। सर एक लीवर ट्रांसप्लांट करने की अगर हमने बात की है तो ट्रांसप्लांट करना कोई बहुत आसान बात नहीं है, क्योंकि आपकी सारे रिपोर्ट्स मैच करने चाहिए, लीवर भी आपको वैसा अवेलेबल होना चाहिए, ये सारी चीजें हैं जिसमें टाइम लग जाता है, और उसके बाद फिर कुछ महीनों सालों बाद आप एक नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। आपने जो बताया मॉडर्न होम्योपैथी की जो ट्रीटमेंट है इसमें लगभग एक टेंटेटिव कितना टाइम पीरियड लगता है पेशेंट को नॉर्मल लाइफ स्टाइल में आने के लिए? उसके पहले मैं ट्रांसप्लांट क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने बता दिया कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से बीमारी ठीक नहीं होती,
पेट का पानी निकल दिया, कुछ होने वाला नहीं है। पीलिया कम हो गया, कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि जो पैथोलॉजिकल चेंजेस है वो वैसे चलती ही रहती है और पेशेंट एक बार मृत्यु के मुख में जाता है, ऐसे देखता है, ऐसे देखा गया है, हमेशा लोग देखते हैं, पेशेंट भी देखते हैं, रिलेटिव देखते हैं, सभी लोग देख रहे हैं। उसके लिए उसको ट्रांसप्लांट करने की सलाह दी जाती है, लेकिन ट्रांसप्लांट कारगर कितना है उसके बारे में कोई डॉक्टर बात नहीं करता। लोग इसका बात करते हैं कि हमने सेफ पैसेज कर दिया और वो एम्बुलेंस वहां से यहाँ 500 किलोमीटर आ गई, फिर पेशेंट में ट्रांसप्लांट कर दिया, लेकिन वो कारगर है क्या? ट्रांसप्लांट करने के बाद कितने लोगों को लाइफ मिला है उसके बारे में कोई डॉक्टर नहीं बात करता। तो जो मेरा तजुर्बा ये बताता है, मैंने, मेरे को एक नाम नहीं ले सकता मैं, एक डॉक्टर जी मुंबई के थे, है मेरे फ्रेंड, उन्होंने बता दिया कि डॉक्टर आउट ऑफ 10 पेशेंट, जो 10 पेशेंट टेबल पे आते हैं ट्रांसप्लांट के लिए, उसमें 9 लोगों की मृत्यु टेबल के ऊपर ही होती है। एक पेशेंट का ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो सकता है ऑपरेशन के बाद, लेकिन वो कितने साल जिएगा कोई नहीं बताता। मैंने पूरे लाइफ में 29 साल के मेरे प्रैक्टिस में मैंने एक ही पेशेंट देखा है कि जो 5-6 साल उसका ट्रांसप्लांट टिक गया, मतलब वो जीवित रह गया। दूसरी बात, वो खर्चा भी बहुत ज्यादा है ट्रांसप्लांट का, करीबन 25-45 लाख तक उसको खर्चा आता है। ट्रांसप्लांट होने के बाद जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दिए जाते हैं उसका भी खर्चा करीबन 1,00,000 रुपए से 3-4 लाख रुपए तक महीने में आता है। और ये जो कचकड़ी की बाउली बोलती है डॉल, वैसे पेशेंट दिखता है, क्योंकि वो काम नहीं कर पाएगा, नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा, उसको कांच के महल के अंदर ही रहना पड़ेगा। मतलब इतना खर्चा करने के बाद भी वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाता। तो ये कन्वेंशनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। मॉडर्न होम्योपैथी की जो ट्रीटमेंट है ये ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट है, कंपेरेटिवली बहुत कम खर्चा उसमें आता है, करीबन बहुत कम आता है। दूसरी बात, ये ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट की वजह से बारंबार हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, नौबत नहीं आती, पानी निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बार बार ऑक्सीजन नहीं लगाना पड़ेगा, अल्ब्यूमिन नहीं बार बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि लीवर पूरी तरह काम करना शुरू करता है, वो रिपोर्ट में भी दिखता है जी। मैं बताता हूँ इसलिए नहीं है, वो रिपोर्ट में आपको चेंजेस दिखेंगे कि कैसे लीवर उसका काम कर रहा है पेशेंट का। तो अल्ब्यूमिन चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी चढ़ाने की जरूरत नहीं, पानी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आईसीयू में एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओपीडी बेसिस पे ट्रीटमेंट पेशेंट हमारी ट्रीटमेंट लेता है मॉडर्न होम्योपैथी की, और उसमें इम्प्रूवमेंट दिखती है। जनरली पहले 24 आवर्स में इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाता है। आप देख लीजिए पेशेंट की हिस्ट्री, बहुत से पेशेंट को हमने बताया कि आप आईसीयू में एडमिट नहीं हो जाइए, क्योंकि आप बचेंगे नहीं, आप सीरियस हो काफी, घर में रहकर खाइए, जो कुछ चांस देना है हमारा ले लीजिए मॉडर्न होम्योपैथी का, और तब उनमें इम्प्रूवमेंट दिखते हैं। ऐसे बहुत से पेशेंट है अपने पास। तो ये सब जो है वो प्लस पॉइंट्स मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट पे। सर, अभी आपने बताया कि कई पेशेंट्स को आपने सजेस्ट किया आईसीयू की कंडीशन है उनकी कि जहां एडमिट होना है, लेकिन ना करते हुए मॉडर्न होम्योपैथी की दवाई से। तो ऐसे ही आपके एक पेशेंट है सुरेश रणबिसे जी, उनके बारे में आप क्या बताएं? सुरेश रणबिसे जी का लीवर पूरी तरह खराब हुआ था, उनमें एसिडिटी हुआ था। जैसे मैं बार बार बताता हूँ कि एसिडिटी हुआ इसका मतलब उनका लीवर करीबन 85-90% खराब है, 10% उसका लीवर आज काम कर रहा है, उसके ऊपर वो जीवित है। तो ये रणबिसे साहब हमारे पास आए नहीं थे, क्योंकि वो आ नहीं सकते थे, क्योंकि उनको हफ्ते में 2 बार एक हिपाटोलॉजिस्ट के पास पानी निकालने के लिए लिया जाता था, हफ्ते में 2 बार उनका एसिडिटी फ्लूइड निकाला जाता था, टैपिंग किया जाता था, और पेशेंट का वीडियो भी है अपने पास है, वो भी आप देख सकते हो कि पेट इतना बड़ा हुआ है उनका, वो पेशेंट उठ नहीं सकता था, वो बिस्तर पे लेटा हुआ दिखता है उसमें, और पानी बार बार निकालने की वजह से एक्सेसिव वीकनेस था उनको, अशक्तपना था, वेट लॉस हुआ था, जो हाथ और पैर बहुत बारीक हुए थे, पेट बहुत बड़ा था, मतलब हड्डी के, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सिर्फ हड्डियां ही बाकी रह गई थी, क्योंकि प्रोटीन लॉस था। ऐसे केस में हमारा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, रिलेटिव आ गए, उनकी पत्नी आके हमें मिली, हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। पहले हफ्ते में उसको पानी नहीं निकालना पड़ा, 25 दिन होने के बाद हमने उनका सोनोग्राफी किया, क्योंकि पेशेंट तब उठ खड़ा हुआ था और चल रहा था, तो हमें पता चला कि उसका एसिडिटी पूरी तरह चला गया। इतनी फास्ट इम्प्रूवमेंट मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से दिखती है। मतलब सबसे जो मुश्किल चीज है एक लीवर सिरोसिस केस में, कि जो लीवर में पानी, मतलब पेट में पानी बनना, वो सिर्फ 25 दिन के अंदर कंप्लीटली एसिडिटी चला गया। उसके रिपोर्ट है अपने पास, बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर 25 डेज ऑफ ट्रीटमेंट
सोनोग्राफी में पानी पूरी तरह चला गया है, उसके बाद कभी भी उनको पानी नहीं हुआ। 25 दिन के बाद पेशेंट ड्यूटी पे ज्वाइन हो गया, वो 25 दिन पहले वो उठ नहीं सकता था, वो भी है पेशेंट के टेस्टिमोनियल में भी है वो। सर जरूर उनसे बात करना चाहेंगे। हाँ। क्योंकि आपने जो बताया इस टाइप के अगर पेशेंट है तो सिर्फ पेशेंट नहीं पर पूरा परिवार उनका एक दहशत में होता है कि अब हमारे अपने के साथ क्या होने वाला है। और जैसा आपने बताया एक महीने के अंदर इतनी अच्छी ट्रीटमेंट की वो नॉर्मल लाइफ जीने पर की शुरुआत कर चुके थे। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं सुरेश रणबिसे जी से। सुरेश रणबिसे सांगली के रहवासी, इनको भूख न लगना, थकान, कमजोरी ऐसी तकलीफें शुरू थी। इनके पेट में भी बड़ी मात्रा में सूजन थी, पेट में पानी बनता था। रिपोर्ट करने के बाद इनको लीवर सिरोसिस का पता चला। मेरा नाम सुरेश बाड़ा साहेब रणबिसे, रहना मेरा कुड़गांव ताड़ूका वाड़वा जिला सांगली। अभी मेरी उम्र 42 साल है। 3 महीने पहले मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ली, एलोपैथी की दवाइयाँ खूब खाई, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी ली, पर उससे थोड़ी देर के लिए ही आराम मिलता था। हफ्ते में 2 बार मेरे पेट से पानी निकाला जाता था। मैं बहुत परेशान हो गया था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बार बार ऐसी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। फिर मेरे दोस्त का फोन आया मेरे को, उसने बताया कि मॉडर्न होम्योपैथी है कोल्हापुर में, वहां इलाज करवाओ। हफ्ते में से 2 बार इनके पेट से पानी निकाला जाता था। इनको बार बार बुखार आना, भूख न लगना, उल्टी होना ऐसी बार बार परेशानी थी, पेट में पानी भर रहा था। इनका टोटल बिलीरुबिन 2.6, डायरेक्ट बिलीरुबिन 2.1, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन 1.01 इतना था। डॉक्टर्स ने इन्हें लीवर ट्रांसप्लांट की सलाह दी थी। ये पहले खुद से चल नहीं सकते थे, इन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट शुरू की। इनको पहले हफ्ते में पेट का पानी और छाती में जमा हुए पानी पूरी तरह चला गया। सिर्फ 20 से 22 दिन में इनकी तबीयत पहले जैसी हो गई। उधर जाने के बाद मुझे पहली किट मिली और 10 दिन की थी वो। 10 दिन के किट के इस्तेमाल से मुझे 50% आराम मिला। मतलब जो मेरे शरीर पे सूजन थी, मेरा पेट जो है वो काफी फुल गया था, तो वो कम से कम 50% कम हो गया। और दूसरे डोज से वो पूरा लेवल में आ गया, मतलब शरीर पे कोई सूजन ही ना हो बिल्कुल वैसे। पहले मुझसे खाना वगैरह खाया नहीं जाता था, मतलब जैसे मैं अभी 3-4 बार खाना खाता हूँ, जैसे भूख लग रही है वैसे खा लेता हूँ, वैसे खाना नहीं होता था। मेरी सांस भी काफी फूलती थी, सीढ़ियां मैं चढ़ भी नहीं पाता था, उतर भी नहीं पाता था। ऐसी तकलीफ थी कि मरना अच्छा लगता था, बहुत निराश था मैं, उम्मीद नहीं थी मुझे, पर अभी मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। मॉडर्न होम्योपैथी की दवाई मैंने 24 जून 2023 से शुरू की। पहले 5 दिन में ही मुझे अच्छा फर्क महसूस हुआ। मेरे पहले डॉक्टर ने बोला था कि मेरा 80-90% लीवर खराब हो गया है और 2 दिन में बार बार पेट से पानी निकालना पड़ेगा, नहीं तो लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। ऐसे कितने दिन चलेगा ये मैं खुद से ही पूछता था। फिर मैंने सोचा कि लाइफ में सेहत के लिए कुछ अच्छा करना है और मैं मॉडर्न होम्योपैथी के पास चला आया। वहाँ पर मुझे 100% अच्छा रिजल्ट मिला। मैं डॉक्टर विजय कुमार माने और मॉडर्न होम्योपैथी का शुक्रिया करना चाहता हूँ। और वो ऐसे ही कैंसर, किडनी, लिवर बीमारियों पे अच्छी ट्रीटमेंट देते रहें। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ जिनको भी ऐसी बीमारी है वो मॉडर्न होम्योपैथी से ट्रीटमेंट ले। इनका टोटल बिलीरुबिन 1.7, डायरेक्ट बिलीरुबिन 1.01, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन 0.69 इतना कम हुआ, मतलब नॉर्मल हुआ। रिपोर्ट और तबीयत में सुधार देखकर अब लीवर ट्रांसप्लांट या पेट से पानी निकालने की जरूरत नहीं है। अभी हमने सिर्फ सर से नहीं जाना लिवर सिरोसिस की ट्रीटमेंट के बारे में, बल्कि एक पेशेंट से हमने उनका अनुभव भी जाना और देखा कि वो फिर से एक नॉर्मल लाइफ जीते हुए कितने खुश थे। एक इंसान जो मृत्यु की कगार पर है, वहां से लौट कर आना सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए एक मेमोरेबल मोमेंट होता है
एक जीने की फिर से जीवन जीने का उत्साह पैदा करता है। ऐसी ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है मॉडर्न होम्योपैथी की हर जटिल बीमारी के लिए। आज हमने बात की लिवर सिरोसिस के बारे में, अगली बार फिर ऐसी ही एक जटिल बीमारी के बारे में जानेंगे और उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो कि मॉडर्न होम्योपैथी देती है उसके बारे में भी जानेंगे। तब तक नमस्कार। नमस्कार।